नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं वी निशे न्यूज। क्या बाढ़ भी मानव निर्मित हो सकती है? असम सरकार की माने तो ये संभव है। असम राज्य के बराक घाटी में मौजूद सिलचर शहर मानव निर्मित बाढ़ से बीते दो सप्ताह से डूबा हुआ है। करीब चार दशकों बाद यहाँ ऐसी भयावह बाढ़ आई है। बराक नदी का तटबंध काटने के कारण ही शहर में बाढ़ आई, ये दावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने किया था। अब पुलिस ने इस आरोप में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दो और लोगों की तलाश भी है। सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जांच का नेतृत्व करेंगे और एक विशेष कार्यबल जांच की निगरानी करेगा। असम इन दिनों बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक असम के दूसरे दौर की बाढ़ में 181 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 जिलों के करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर तटबंध हो चुके हैं। सिलचर के बगल से गुजरने वाली बराक नदी का तटबंध काटने के मामले में बीती 24 मई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि कुछ लोगों ने सिलचर के करीब 3 किलोमीटर दूर बेथुकारनी में बना तटबंध तोड़ दिया है। इसके बाद जब जून में भारी मूसलाधार बारिश हुई तो नदी का पानी इसी रास्ते से सिलचर में घुस गया और शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। पुलिस ने बताया कि महिषा बिल के लोगों ने इलाके में जमा अतिरिक्त पानी निकालने के लिए बेथुकांडी के तटबंध तोड़ दिया था। जल संसाधन विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने सिलचर में बाढ़ वाले इलाके में जाकर लोगों की दिक्कतों का जायजा लिया और जिला पुलिस को तटबंध काटने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनिशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।